आपको बताएं कि कुवैत में कुवैताइजेशन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया, जिसके तहत 50% गैर मुल्की कारकुनों को आइंदा 3 माह में फारिग कर दिया जाएगा। कुवैत की जानब से सबसे पहले कुवैत का नारा लगाया गया, जिसका मकसद कुवैती शहरियों को नौकरियों में पहला हक देना है। लेकिन इस मंसूबे पर अमल दरामद की सूरत हाल में कुवैत में काम करने वाले लाखों गैर मुल्कियों की मुलाजमतें दाव पर लग गई हैं। कुवैत में कोविटाइजेशन का अमल शुरू कर दिया गया है और सिलसिले में हुकूमत ने सरकारी महकमों में सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करने वाले 50% गैर मुल्कियों को फारिग करने का फैसला किया है। कुवैत में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों को फौरी तौर पर फारिग करने के बजाय 3 माह का वक्त दिया गया है, जिसके बाद उन्हें मुलाजिमतों से फारिग कर दिया जाएगा और उनकी जगह कुवैती शहरियों को नौकरियाँ दी जाएंगी। कुवैती शहरियों में मतलूबा महारत की कमी के बायस गैर मुल्की कारकुनों को मरहलावार फारिग करके उनकी जगह पर कुवैती शहरियों को भर्ती किया जाएगा। दूसरी जानब कुवैत के रुकने पार्लियमान खलीलुस्सालेह ने सिविल सर्विस कमीशन से मुतालबा किया है कि 50% गैर मुल्कियों को फारिग करने के बजाय तमाम तारकीन वतन के मुहदे खत्म किए जाएँ और 100% अफरादी कुवत में कोविटाइजेशन की जाए।